हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे कि जो अभी अपने ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं, सरपंच, पंच, जिला पंच, जनपद पंचायत सदस्य सभी के जो चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए धारा 144 लगी हुई है। अब ये धारा 144 लग तो गई है, लेकिन कई लोगों को इसका जो है ख़ास मतलब पता नहीं होता है कि ये क्यों लगाई जाती है, क्या क्या कारण है, इसे लगाने के बाद क्या पाबंदियां लग जाती है। तो सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं, हम बात करते हैं कि धारा, जानिए धारा 144 इसे क्यों लागू किया जाता है। तो बात करते हैं हम धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। चुनाव का समय चलता है जब लोग की भीड़ इकट्ठी होना, गुटबाजी करना, अपने सभाएं करना, तो इन सभी को रोकना इसका मतलब होता है। शासन ये धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठे होने से कोई खतरा हो सकता हो। अपनी अपनी पार्टी के लोग आपस में इकट्ठा होंगे, कोई किसी पार्टी पर गलत कमेंट कर दिया तो इससे हिंसा भी भड़क सकती है। इस कारण लोग इकट्ठा ना हो, सभी लोग अपना अपना काम पर रहे, इस कारण ये धारा लागू की जाती है। अब इस पर कब लगाई जाती है ये भी हम आपको बता दें। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। CRPC की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपत्ति स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो तब भी ये धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 यहाँ जहाँ लगती है उस इलाके में 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा जहाँ 144 लगी हुई है वहाँ 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लगने के बाद ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवा को भी बंद किया जा सकता है एवं इलाके में हथियार को ले जाने की पाबंदी होती है। अब बात करते हैं हम धारा 144 का मतलब कर्फ्यू होता है। क्या धारा 144 का मतलब कर्फ्यू होता है? तो सेक्शन 144 और कर्फ्यू एक चीज़ नहीं है। कर्फ्यू बात अलग हो जाती है और धारा 144 अलग हो जाती है। दूसरी ओर कर्फ्यू लोगों को एक विशेष समय के लिए घर के अंदर रहने का आदेश देता है, इसलिए अधिकारी कुछ निश्चित समय के लिए कर्फ्यू लगा सकते हैं। समय इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि यदि आवश्यकता हो तो अधिकारी कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलते हैं तो आपकी पूछताछ की जाती है। तो ये कर्फ्यू और धारा 144 काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन धारा 144 का मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, ये क्यों लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है। तो आज आपको ये जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और चैनल वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं एक अगली नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।